ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़न ने अपने डिलीवरी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अपने खरीदारों के पास जल्द से जल्द ऑर्डर पहुंचाने के लिए एक बड़ा काम करने जा रही है। कंपनी ने ऑर्डर्स को जल्द पूरा करने के लिए अपने खुद के जेट खरीद डाले हैं। जानकारी के अनुसार ऑर्डर को जल्द पहुंचाने के लिए कंपनी ने 11 जेट खरीदे हैं। ई कॉमर्स कंपनी ने ये जेट डेल्टा और वेस्ट जेट एयरलाइन से खरीदे हैं। अमेज़न से मिली जानकारी के मुताबिक ये पहली बार है जब कंपनी ने अपने डिलीवरी नेटवर्क के लिए खरीदारी की है। इससे पहले अमेज़न पिछले कुछ वर्षों से प्लेन्स को लीज पर लेता रहा है। कंपनी के मुताबिक लीज पर लिए हुए और खरीदे गए एयरक्राफ्ट्स के जरिए अमेज़न अपने सभी ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेगी। हालांकि अमेज़न ने प्लेन्स के लिए कितना भुगतान किया इस पर कंपनी ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। दरअसल अपने खुद के प्लेन्स खरीदने का फैसला करने के पीछे अमेज़न की मंशा है कि वे अपने ई कॉमर्स साइट्स पर दिए गए ऑर्डर्स की डिलीवरी को खुद पहुंचाए। कंपनी का फोकस है कि वे अमेरिकी पोस्टल सर्विसेज या अन्य कैरियर्स की सेवाएं न लेकर खुद की डिलीवरी की व्यवस्था करें। प्लेन्स के फ्लीट के अलावा कंपनी ने एयरपोर्ट पर कुछ पैकेजिंग सॉर्टिंग हब्स भी बनवाए हैं और एयरपोर्ट के नज़दीक में वेयर हाउस भी खोले हैं। जानकारी के अनुसार अमेज़न ने जो 11 प्लेन्स खरीदे हैं वे सभी बोइंग 767-300S हैं। आमतौर पर इन प्लेन्स का इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इनमें कार्गो रखने के लिए उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे। बता दें अमेज़न दो कंपनियों से जेट्स खरीद रही है। इनमें से वेस्ट जेट से 4 जेट प्लेन खरीदे जा रहे हैं जो कि इसी साल 2021 में अमेज़न की फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अमेज़न 60 जेट डेल्टा से खरीद रही है जो अमेज़न को अगले साल 2022 में मिलेंगे। इन जेट्स की खरीदारी के बाद अमेज़न की फ्लीट में 2022 तक लीज पर लिए गए प्लेन्स को मिलाकर कुल 85 जहाज शामिल हो जाएंगे और फिर अमेज़न दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स को और जल्द पहुंचा सकेगी।